और इनमें से पता नहीं किसने कॉल किया था, शायद ये कोर्ट वाले ने कॉल। ओ भाई साहब, ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज डेमस्टर एंड यू आर वाचिंग ग्रैंड माइंस गेमिंग। तो गाइस आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जॉम्बी सीरीज को और ये है डे 12। यार आपको पता है 12 दिन हो गए हैं गाइस, हमारी फैमिली का कुछ अता पता नहीं है अभी तक, ट्रेसी अमेंडा का कुछ अता पता नहीं है, ये लोग कहाँ पर हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो यार इनको ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। और यार गाइस वीडियो के बीच में कुछ कुछ रीटेक्स लेने वाला हूँ क्योंकि यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी गाइस तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि वीडियो डिले ना हो यार, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे वेट करते हैं संडे को वीडियो आने का, तो यार नई वीडियो आती तो उसके बाद यार बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई तुमने वीडियो नहीं बनाई, तो इसीलिए यार गाइस वीडियो बिल्कुल नहीं डिले होगी, टेंशन ना लो, बस यार सपोर्ट कर दो, फटाफट से लाइक वगैरह कर दो वीडियो को और जो भी हो सके करते जाओ, कमेंट वगैरह करो और फ्रेंड्स के साथ यार शेयर कर दो वीडियो को फटाफट। तो यार अभी जो न्यूज़ आ रही है भाई, यहाँ पर हमारे पास भाई एक जगह है जहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को मिलिट्री ने, तो भाई मिलिट्री लोगों को पता नहीं अपने घर तक पहुँचा रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग, तो एक बार यार हमें वहाँ जाकर देखना होगा। और यार एक बार मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ फटाफट से, यहाँ पर वो वाली जो गाड़ी लास्ट यार वीडियो देखी होगी आपने, लास्ट वीडियो में ये वाली गाड़ी मैंने यूज़ की थी भाई, आर्मर्ड कार है पूरी की पूरी और बहुत तगड़ी चीज़ है यार ये, सच में बहुत तगड़ी चीज़ है, इसमें भाई सब बुलेट्स वगैरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जल्दी से यार तुम दोनों बैठ जाओ, हम फटाफट से यार यहाँ से निकलते हैं और मैं एक बार ज़रा मार्क कर लेता हूँ, ये दोनों एक बार बैठ जाएं, मैं थोड़ा आगे चल के मार्क करता हूँ क्योंकि यार यहाँ पर ये ज़ॉम्बीज़ वगैरह फिर से परेशान करने चालू कर देंगे। तो गाइस आपको पता होगा यार लास्ट वीडियो मैंने जब बताई थी तो यार ये हमारा जो लेस्टर और जो जिमी है भाई ये काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं, तो यार यहाँ पर डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि यार वो लोग काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं, तो उनकी हम जल्दी से जल्दी उनको जल्दी से जल्दी हम डिस्चार्ज करने वाले हैं हॉस्पिटल से, तो यार उनको भी हमें लेके निकलना होगा यार कोई सेफ जगह ढूंढ के, भाई वहाँ पर हमें फिर से अपना एक कोई अड्डा बनाना होगा। तो यार गाइस अभी मैं फटाफट से यार एक जगह मार्क करता हूँ क्योंकि जहाँ पर मैंने मेरे को न्यूज़ सुनने में आ रही है वो कुछ यहाँ के इस जगह के आसपास है, तो भाई यहाँ चलते हैं फटाफट से, काफ़ी दूर है भाई, तो तेज़ी में गाड़ी लेके जाना, वैसे कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, पहुँच जाएंगे हम बड़े आराम से, तो वहाँ पर जाना होगा भाई। ओह शिट यार, मैंने गाड़ी को अभी सही तोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं आगे चलते हैं फटाफट। यार थोड़ी सी वॉल्यूम वगैरह डाउन हो तो कोई दिक्कत मत लेना क्योंकि यार गला ख़राब हो रहा है बहुत बुरी तरीके से, और यार बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी अभी बीच में, तो अभी मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ कैसे भी करके, तो यार इग्नोर करना ये छोटी मोटी चीज़ें जो गलतियाँ वगैरह हो रही हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर क्या हुआ है, ओके तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ पड़ा, भाई साहब देखो कितना गंदा क्रैश हुआ है, और भाई यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही तबाही कर दी है यार इस वाले जोन में। तो यार यहाँ से आगे की तरफ निकलता हूँ यार, यहाँ पर तो पूरा बंद किया हुआ है यार ये, ओके तो यार यहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं है भाई, तो हमें साइड पीछे से निकलना। ओके गाइस तो यहाँ से निकल लेते हैं, वो वाला रास्ता तो यार बहुत ही ज़्यादा जाम लगा पड़ा है, वहाँ पर बहुत ही सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो यार यहाँ से सीधा आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे चल के यार फटाफट वहाँ पर कि क्या सीन है। और कुछ लोगों को यार भेजा जा रहा है, पता नहीं मुझे यार अपनी फैमिली को ढूंढना है, बहुत टाइम हो गया क्योंकि यार 12 दिन हो चुके हैं और अभी तक ज़ॉम्बी और उनकी वजह से हमारे ट्रेसी और अमेंडा का कुछ अता पता ही नहीं है कहाँ पर है। जिम्मी तो चलो हमारा हॉस्पिटल में, उसका तो पता लग गया है, और हाँ हमारा ट्रैवर वगैरह नहीं है, और यार लामार वगैरह को भी ढूंढना है हमें, तो यार बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी इस वाली सीरीज़ में। तो यार जल्दी से जाकर फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अपने लास्ट वीडियो का यार एम पूरा नहीं किया है तो मैं फिर से 150 लाइक्स का ही एम रख रहा हूँ दोबारा से, तो उसको जाकर पूरा कर देना फटाफट से। तो मैं चलता हूँ यार आगे की तरफ और हम बस बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं, तो गाइस मैं एक बार लेफ्ट ले लेता हूँ यहाँ से और हम जल्दी से वहाँ पर पहुँच के मिलते हैं एक बार आपसे। ओके गाइस तो अभी हम बिल्कुल पास पहुँच गए हैं उसके, और मुझे लगता है हम पहुँचने वाले हैं उस वाले एरिए में, तो भाई देखते हैं वहाँ पर क्या सीन चल रहा है। ओके गाइस तो यहाँ पर कुछ बैरियर्स वगैरह लगाए हुए, मुझे लगता है इसके आगे हम नहीं जा सकते, तो हम यहाँ से उतर लेते हैं और आगे चलते हैं भाई, देख कर आते हैं क्या सीन है। और भाई यहाँ पर देख सकते हो आप मिलिट्री वगैरह खड़ी हुई है पूरे तरीके से, तो भाई यहाँ पर देख सकते हो अभी दो बंदे खड़े हुए मिलिट्री के, और भाई तुम लोग आ रहे हो नहीं आ रहे हो, अभी आगे की तरफ चलते हैं यार इन दोनों को देखो, यहाँ पर ये भाई पूरी की पूरी सिक्योरिटी करके खड़े हुए हैं, पर यहाँ पर पता है ज़ॉम्बीज़ वगैरह और कोई गाड़ियाँ भी नहीं आ पा रही हैं आसपास, तो भाई सर्वाइवर्स भी नहीं दिख रहे हैं आजकल, पता नहीं कहाँ चले गए हैं कुछ सर्वाइवर्स को, तो भाई पुलिस वाले या मिलिट्री बहुत हेल्प कर रही है इस चीज़ में। तो भाई अभी हम देखते हैं आसपास के एरिया, वो ये देखो गाइस कितने तगड़ी यहाँ पर मिलिट्री लगा रखी है भाई, और यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी का अता पता भी नहीं है, एक भी ज़ॉम्बी यहाँ पर सबको देखो। ओ भाई साहब यहाँ पर मशीन गन वगैरह लगा के बैठे हुए हैं ये लोग, भाई देख सकते हो आप कितनी तगड़ा जुगाड़ बना के बैठे हैं, और यहाँ पर कुछ सामान वगैरह इनका भाई फूड वगैरह पड़ा होगा शायद ये खाने वाने का। तो गाइस आप देख सकते हो यार मिलिट्री ने कितनी तगड़े यहाँ पर मिलिट्री कर्नल कितना तगड़ा भाई वो बना रखा है। तो यार इस वाले हॉस्पिटल में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, पता नहीं ये हॉस्पिटल बंद किया हुआ है क्या सीन है, पिल बॉक्स हिल इसको बंद किया हुआ है,
पता नहीं क्या सीन है ओके। तो यार ये देख सकते हो आप, जितनी भी यहाँ की रोडें हैं भाई, सबको तरीके से अच्छे तरीके से ब्लॉक कर दिया है, पूरा बंद कर दिया है। ये देखो यहाँ पर भी कुछ आर्मी के, वो भाई यहाँ पर देखो आप ये वाली गाड़ी भाई साहब, बहुत तगड़ी गाड़ी होती है ये इनकी, मिलिट्री वालों की। तो भाई इन्होंने यहाँ पर ये खड़ी की हुई है ताकि भाई यहाँ पर कुछ और बंदे या कुछ ऐसा कुछ सीन ना हो जाए कुछ गलत वाला। देखो यहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। और देखो गाइस ये देखो पूरी पूरी रोडें ब्लॉक कर दी हैं बिल्कुल, यहाँ से मतलब कोई भी नहीं आ सकता है इस जगह पे, और पूरी के पूरे अच्छे तरीके से बंद किया हुआ। और यहाँ पर जॉम्बीज वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कितना ओ भाई यहाँ पर इन्होंने टैंक वगैरह भी खड़े कर रखे हैं। तो भाई यहाँ पर बहुत तगड़ा जुगाड़ इन्होंने बैठा रखा है भाई, आप देख सकते हो भाई। मुझे लगता है यार ये लोग बहुत ही तगड़ा प्लान कर रहे हैं, और यार मिलिट्री कर्नर का भाई सच में सैल्यूट है भाई, बहुत तगड़ा बंदा आया हुआ है। और पता नहीं भाई क्या सीन चल रहा है यहाँ पर, देखो मशीन वगैरह भी लगाई हुई है इनके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के लिए। ओके तो यहाँ पर कुछ बसें वगैरह खड़ी हैं, तो यार इन्हीं बसों में से पता है क्या सीन चल रहा है यहाँ पर, मिलिट्री कर्नर ने बोला है कि जो लिबर्टी सिटी है उसके अंदर बिल्कुल भी भाई यहाँ पर से मतलब जो जोम्बी का वो है वायरस वो बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर। तो मुझे लगता है शायद लोगों को ना वहाँ पर ही भेजा जा रहा है। यहाँ पर देखो बस ड्राइवर वगैरह कुछ खड़े हुए हैं, और नंबर से बहुत सारी बसें लगी हुई हैं, और ये बस का नाम क्या है डैश कुछ करके पता नहीं क्या है, और ये कुछ अपनी बस चेक कर रहा है हवा वगैरह। तो गाइस आप देख सकते हो ये इनसे बात बात कर रहे हैं यहाँ पर आर्मी वाले बंदे। तो भाई ये सीन बहुत तगड़ा है, पर यार हमारा मेन टारगेट है हमें लेस्टर वगैरह और जिमी वगैरह, जिमी तो हमारा मिल चुका है सॉरी, हमें अपनी फैमिली को ढूंढना है, ट्रेसी और अमेंडा, और अपना लेस्टर वगैरह भी मिल जाए तो यार बहुत अच्छा हो जाए। ये देखो भाई साहब इन्होंने कितना तगड़ा जुगाड़ किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप मिलिट्री वालों ने भाई यहाँ पर कितना तगड़ा जुगाड़ किया हुआ। और ये यार बहुत ही तगड़ा हेल्प कर रहे हैं लोगों को अपने घर पहुँचाने में, ये देख सकते हो आप यहाँ पर पूरी लिस्टिंग वगैरह चल रही है, और सबसे भाई पूछताछ चल रही है कि कितने लोग हैं और कितने कितनों को कैसे कैसे क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। और ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ इन्होंने भाई बहुत तरीके से खड़ी की हुई हैं, और आप देख सकते हो यार यहाँ पर ओके। तो गाइस यहाँ पर कुछ लोग हैं ओके, तो देखो आप नंबर लगा के भाई लोगों को अंदर भेजा जा रहा है लाइन वाइज, और बस के अंदर बैठा बैठा के कुछ लोगों को भाई लिबर्टी सिटी भेजा जा रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल सेफ जगह है। मुझे लगता है कि ट्रेसी अमेंडा कहीं वहीं पर तो नहीं चले गए हैं, तो शायद कुछ सीन हो सकता हो वहाँ पर, अगर पहुँच गए तो भाई कुछ भी सीन हो सकता है। ओके तो अभी एक बार मैं इधर देख लेता हूँ अच्छे से, यहाँ पर तो नहीं है वैसे मुझे लगता है। तो यहाँ पर यार ये देख सकते हो आप पूरी लिस्ट वगैरह ली जा रही है, और तरीके से इनको क्वारंटाइन किया हुआ है, और तरीके से इनको अंदर भेजा जा रहा है भाई। तो अभी के लिए हम यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। और देखो कुछ लोगों को यहाँ पर काउंट किया जा रहा है भाई, कितने कितने लोगों के सेट बना के भेजे जा रहे हैं कि भाई इतने इतने लोग जाएंगे एक बस के अंदर। तो अभी देख सकते हो अभी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, और इनको कितने अच्छे तरीके से भाई भेजा जा रहा है। और देख सकते हो यहाँ पर यार मेरे को लगता है यहाँ पर भी नहीं है ट्रेसी, अगर अमेंडा होते तो वो मुझे पहचान लेते और मेरे पास आ जाते जल्दी से जल्दी, फिर मेरे को नहीं लगता वो लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ पर देखो कुछ डॉक्टर्स वगैरह भी हैं भाई, तो ये पूरे के पूरे मास्क वास्क लगा के भाई सब तरीके से मतलब देख सकते हो आप यार पूरी फुल तैयारी है। और अगर इसके बाद भी यार अगर यहाँ से ये चीज़ नहीं ख़त्म होती ना, तो भाई कुछ नहीं हो सकता, सच में कुछ नहीं हो सकता। तो अभी के लिए हम यार वापस यहाँ से निकल लेते हैं, मेरे को लगता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ से यार एक बार बाहर की तरफ चलते हैं वापस से, तो यहाँ पर तो भाई नहीं मिले हमें ट्रेसी और अमेंडा, यार उनको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार 12 दिन हो चुके हैं गाइस, पता नहीं वो किस हाल में होंगे और क्या कर रहे होंगे कैसे होंगे, क्योंकि अभी तक किसी आर्मी या किसी पुलिस वालों की नज़र में तो नहीं थे। और पुलिस वालों की नज़र में तो सिर्फ हमें जिमी मिला था, तो उसको तो उन्होंने ले ही लिया था, और ये लोग कहाँ रह गए, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं साथ में। ओके तो वो कहाँ रह गया भाई, एक मिनट में इसको देखता हूँ कहाँ पे है। ओके तो यहाँ पर फंसा हुआ है भाई, यहाँ से आ जा भाई, क्या परेशान हो रहा है यार, इनको रास्ते ही नहीं दिखते क्या। देखो भाई साहब बिल्कुल ही नलायक सा हो रखा है, बिल्कुल देखो हद कर दी भाई। ओके गाइस तो यहाँ से तो ये निकल आया, अब साथ में चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी यार देख सकते हो पूरा का पूरा यार बहुत यहाँ पर अच्छा जुगाड़ किया हुआ है। वैसे यार हम अपना कैंप यहाँ पर लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आर्मी की तो यार भंडार लगा पड़ा है बहुत अच्छे से, आर्मी इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है। देख सकते हो पूरी रोडें इतनी अच्छे से ब्लॉक की हुई हैं भाई, यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा है। और यार मेरा हंगर और थ्रिस्ट बहुत खाली हो रहा है, तो मैं जल्दी से कुछ खा लेता हूँ एक बार फटाफट से। ओके तो अभी मेरे पास क्लीन वाटर पड़ा है, तो मैं 2 बॉटल पी लेता हूँ इसको, और कुछ मीट भी 2 खा लेता हूँ, तो काफ़ी हाँ फुल हो गया मेरा। ओके तो अभी आगे चलते हैं यार, आगे की तरफ देखते हैं और भी यहाँ पे आसपास क्या क्या सीन किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी भाई आर्मी वगैरह लगाई हुई है, देखो पूरी की पूरी रोडें यार कितने सही तरीके से बंद की हुई हैं कि भाई यहाँ पर कोई नया, ओ भाई साहब देख सकते हो आप हॉस्पिटल के ऊपर भी कुछ बंदे लगा दिए, और ये वाला हॉस्पिटल बंद किया हुआ है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं खोला हुआ है, क्योंकि भाई यहाँ पर रिस्क हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो यार आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा भाई इतना तगड़ा जुगाड़ किया हुआ है, ये गेट खुल तो रहा है भाई साहब, कुछ कुछ बंदों के लिए खुलेगा सिर्फ, क्योंकि भाई हम तो अभी इनके लिए काम कर रहे हैं ना इस टाइम पर। देख सकते हो आप हमारे साथ स्वैट के बंदे, तो इसलिए शायद इन्होंने खोल भी दिया गेट, वरना ये सबके लिए अलाउ नहीं है यहाँ पर गेट वेट खोलना। यार इसको क्या हो गया आजकल, ये बड़ा धीरे पीछे रह जाता है, कभी लड़ता नहीं है, पता नहीं इसको क्या ही हुआ है।
फ्रैंकलिन को, या इसकी तबीयत वगैरह ख़राब है या पता नहीं क्या सीन है। कोई बात नहीं, चलो अभी हम यार एक आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। ओके गाइस, तो अभी मेरे पास यार यहाँ पर एक स्वैट की तरफ से एक कॉल आई है और उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पर तुम्हारे एक एरिया बताया उन्होंने कि भाई यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे कुछ लोग भाई यहाँ पर कुछ लोग पाए गए हैं, उनकी डेड बॉडीज पाई गई हैं। पता नहीं यार वो लोग सच में कहीं ट्रेसी अमेंडा वगैरह में तो कोई नहीं है ना, एक बार हम चल के देख के आते हैं वहाँ पर यार, क्योंकि अर्जेंट कॉल आया अचानक से। और तो जल्दी से यार फटाफट से गाड़ी में चल के बैठते हैं और फटाफट से वहाँ पर चल कर देख के आते हैं क्या सीन है। भाई वहाँ पर बता रहे हैं कि काफ़ी सारे सर्वाइवर्स रह रहे थे और कुछ ज़ॉम्बीज़ ने उनको मारा हुआ है काफ़ी बुरी तरीके से, तो कम से कम 10 से 12 डेड बॉडीज़ उनको मिली हैं वहाँ पर। तो हम जल्दी से यार फटाफट से इनको गाड़ी में बैठाते हैं और निकल लेते हैं यहाँ से, और जल्दी से आओ यार फटाफट बैठो और हम चलते हैं यहाँ से। ओके गाइस, तो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं भाई उस वाले एरिया के लिए, और भाई बहुत दूर है यार वो, सच में देख सकते हो आप कितना दूर है, 5.5 तक दिखा रहा है, 5.32। ओ भाई साहब इतना दूर जाना पड़ेगा हमें सच में यार, वहाँ से तो रास्ता भी नहीं है, वहाँ पे सारे ब्लॉक किया हुआ है आर्मी वालों ने, तो वहाँ से तो हम नहीं जा सकते यार, ये वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। और यार एक चीज़ और कहनी थी गाइस, यार कमेंट वगैरह बहुत ही प्यारे प्यारे कर रहे हो यार आप लोग, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, तो सच में इस वाली वीडियो पे भी बढ़िया से कमेंट कर दो तो यार मज़ा आ जाएगा सच में। और वीडियो को लाइक तो बिल्कुल कर देना और फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो गाइस वीडियोज़ को, ताकि और उनको भी देखने को मिले, उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट आए इस चीज़ में। तो यार चलते हैं हम आगे की तरफ और फटाफट यार देखते हैं कौन सी जगह पे हमें बुलाया हुआ है यहाँ पर। और तो यार यार ये वाले रास्ते से जाना होगा, तो ये बहुत खतरनाक रास्ता होता है, टेढ़ा मेढ़ा, तो यहीं से निकलना होगा हमें। ओके तो गाइस ऊपर की तरफ चलता हूँ, और गाइस के गाइस तो आज मेरी वॉइस थोड़ी डाउन आ रही होगी, तो यार प्लीज़ यार उसके लिए सॉरी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यार तबीयत ठीक नहीं है मेरी, फिर भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो यार गाइस वीडियो डिले भी हो सकती थी थोड़ी बहुत, मेरे को लग भी रहा था कि वीडियो डिले ना हो जाए, पर यार थोड़ा बहुत जैसे ही मैं बेटर हुआ तो मैंने कहा यार वीडियोस तो बनानी बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले वीडियो बनानी है। तो यार जैसे ही टाइम मिला मैं वीडियो बनाने बैठ गया हूँ भाई। तो यार गाइस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, बस मज़ा आ जाएगा, इतना ही बहुत है, आप बस लाइक वीडियो कर देना और कमेंट वगैरह कर सकते हो तो कर देना। ओके गाइस, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी है यार, यहाँ पर ज़ॉम्बीज वगैरह नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी, पता नहीं क्या सीन हुआ है, पर यार बिल्कुल खाली पड़ा है, सारी की सारी रोड है देख सकते हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ना ज़ॉम्बीज दिख रहे हैं ना कुछ दिख रहा है, और यहाँ पर रोड रिपेयर वगैरह चल रही है, पता नहीं क्या सीन है। तो यार पता नहीं कितना दूर जाना है हमें यार, बहुत ही ज़्यादा दूर है, अभी तक मेरा वो वाला एरिया खुला तक नहीं है मैप में, और हमें वहाँ तक जाना है। तो यार चलते हैं देखते हैं फटाफट से क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग, तो वहाँ जाकर देख के आना होगा कि क्या सीन है भाई, शायद हमें वहाँ पर वो मिल जाए। पर यार उनकी डेड बॉडीज़ बता रहे हैं, तो पता नहीं यार कुछ सर्वाइवर्स भी हो सकते हैं वहाँ पर, पता नहीं देखना पड़ेगा एक बार जाके। तो एक बार चलते हैं फटाफट से और देखते हैं यार वहाँ चल के क्या सीन है। ओके गाइस, यहाँ से व्यू देख सकते हो कितना तगड़ा व्यू आ रहा है यार, सच में कितना जहर व्यू लग रहा है यहाँ से देखने में यार, बहुत ही सही चीज़ बनी है। तो गाइस आगे की तरफ चलते हैं यार, जल्दी से मैं एक बार वहाँ पर पहुँचता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे, क्योंकि काफ़ी दूर है यार वो और काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते, तो जल्दी से एक बार पहुँच जाता हूँ मैं फिर मिलते हैं आपसे। ओके गाइस, तो यार अभी हम बिल्कुल पास पहुँच गए हैं यार पहुँचने वाले, और आप रास्ता देख सकते हो कितना खतरनाक रास्ता है भाई, बड़ी मुश्किल से जाना पड़ रहा है, बड़े धीरे धीरे गाड़ी को लेके भाई, बहुत दिक्कत हो रही है इसको ले जाने में। तो ओके गाइस, तो ऊपर की तरफ जाना होगा हमें यहाँ से शायद, हाँ ओके, तो सामने की तरफ कुछ दिखा है, शायद यही वाला एरिया है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर आसपास में तो कुछ और तो दिख नहीं रहा, और मैक भी हमें यहीं तक ले जा रहा है। तो ठीक है गाइस ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ओके गाइस, तो सामने पुलिस की गाड़ी तो खड़ी हुई दिख रही है मुझे। ओके, तो यहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ, तो भाई साहब यहाँ पर पुलिस कितनी सारी खड़ी हुई है भाई, कौन सा एरिया है ये, क्या देख लिया यहाँ पर इन्होंने। ओके गाइस, तो इनको मैं इन लोगों को यहीं पे बोल देता हूँ, तुम लोग यहीं रुको भाई, क्योंकि अंदर जाना पता नहीं यार सही है या नहीं है, इनको नहीं ले जाते क्योंकि भाई ये उल्टा सीधा चलेंगे और दिक्कत हो जाएगी, और पीछे से ज़ॉम्बी भी आ रहा है भाई, इसको तो मार भी नहीं सकते अभी के लिए, छोड़ो छोड़ो इसको, इनको यहीं रोक देते हैं, उसके बाद हम ऊपर चलते हैं आराम से। ओके गाइस, तो मुझे लगता है ये लोग तो नहीं मानने वाले, मैं आगे की तरफ चलता हूँ, छोड़ो ये आ जाएंगे अपने आप, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं, अपने आप देख लेंगे ये, वैसे इनको स्वैट वाले बंदे हैं, इनको कुछ नहीं बोलने वाले पुलिस वाले भी, तो देखते हैं पता नहीं आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। ओ भाई ये कहाँ चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, पागल हो गए क्या भाई ये लोग, इसीलिए मैं इनसे बोल रहा था भाई तुम मत आओ, पागल हो जाएंगे अभी यहाँ पर आने के लिए ना, ये पागल हो जाएंगे सच में। और देख सकते हो यार यहाँ पर पुलिस वालों ने डू नॉट क्रॉस का यार साइन वगैरह लगा के पूरा बंद किया हुआ है, गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दी है बीच में कि भाई बंदे अंदर ना आ जाएं। और ये देख सकते हो भाई यहाँ पर काफ़ी सारे पुलिस वाले ऊपर नीचे काफ़ी सारी जगहों पर खड़े हो गए हैं। ओ भाई ये बंदे आ गए, एक आ गया, ओ भाई साहब कहाँ कहाँ पे जा रहा है भाई, ये सच में भाई गिरेगा, ये सच में गिरेगा, देखो ओ भाई गिरा, अभी ये आके ही मारेगा भाई, आने दो, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, फ्रैंकलिन सही बंदा है, बात बात मान रहा है, तो इनको रहने देते हैं, छोड़ो इनको आने देते हैं, आने दो कोई बात नहीं देखा जाएगा। ओके गाइस, तो अभी आप देख सकते हो यार ये वाला पूरा एरिया भाई, यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या ही सीन हुआ है यहाँ पर। और देख सकते हो कुछ यार हाईवे पुलिस भी खड़ी हुई है, जो हाईवे पे रोकती है हमें, ये क्या बंदे हैं, ये क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे। ओके, तो ये कौन है भाई, ये दोनों को क्यों पकड़ा हुआ है, कुछ बात बात कर रहे हैं क्या इनसे, देखते हैं पता नहीं क्या सीन चल रहा है भाई यहाँ पर, कुछ खतरनाक सा ही लग रहा है भाई, मुझे भी डर सा लगने लगा है, तो पता नहीं क्या सीन चल रहा है भाई, एक बार देखना होगा अच्छे तरीके से आसपास में क्या सीन चल रहा है यहाँ पर।
ओके तो भाई यहाँ पर हर घर के पास में पुलिस वाले। ओके तो यहाँ पर क्या भाई, ये क्या पाया हुआ है ऊपर? ओके यहाँ पर कुछ पेटियाँ वेटियाँ पड़ी हुई हैं, पता नहीं किस चीज़ की हैं, मैं एक बार ऊपर चल के देख लेता हूँ। ओके गाइस तो यहाँ पर मुझे लगता है यार इन्होंने ड्रग्स वगैरह, और ओ भाई यहाँ पर पैसों की गड्डियाँ कितनी पड़ी हुई हैं सच में भाई साहब, यहाँ पर कोई सीन हुआ है, गलत सीन हुआ है। ओके तो पुलिस वाले से थोड़ा बच के रहना होगा, वरना भाई कहीं हमें मार वार ना दे खाली पीली में। तो अभी हम यार थोड़ा ध्यान से चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई अभी ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रखे हैं ये लोग। और इनमें से पता नहीं किसने कॉल किया था, शायद ये कोर्ट वाले ने कॉल। ओ भाई साहब, ओके गाइस तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। ओके तो यहाँ पर कितनी है डेड बॉडीज, एक बार मैं काउंट करता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 बॉडीज़ पड़ी हुई हैं भाई, गलत। और यहाँ पर ये यार ये पैंडेमिक वाले एम्बुलेंस वाले भी कुछ लोग खड़े हुए, और यहाँ पर फोटोग्राफी चल रही है, और भाई कोई गलत सीन हुआ है यहाँ पर। पता नहीं यार इनमें से कोई हमारी फैमिली का तो नहीं है यार इस बंदे से, यहाँ पर इसके पास पूरी लिस्ट होगी इन बंदों की, कौन कौन बंदे थे। तो इस साथ मैं बात कर लेता हूँ फटाफट और पूछ लेता हूँ कि भाई हमारे बंदे तो नहीं है इनमें से। ओके गाइस तो अभी मेरी इनसे बात हो गई, और ये कह रहे हैं कि नहीं भाई तुम्हारा कोई सा भी बंदा ऐसा कोई बंदा नहीं है। मैंने इन दोनों के नाम पूछे, लामार वगैरह का भी नाम पूछा मैंने, ड्राइवर का भी पूछा, कह रहे नहीं तुम इनमें से कोई सा भी बंदा ऐसा नहीं है जो तुम्हारे इसमें लिस्ट में आ रहा हो। तो भाई चलो अच्छी बात है कि वो अभी तक जिंदा है भाई, सच में मेरे को तो बहुत डर लगा था, मेरे देखते ही मेरी तो हालत ख़राब हो गई कि भाई ये क्या सीन हो रहा है। और भाई यहाँ का व्यू कितना तगड़ा है भाई, छोड़ो यार व्यू को गोली मारो, अभी सीरियस मैटर चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ, यहाँ पर मुझे डॉक्टर्स भी दिख रहे हैं अंदर की तरफ, तो यार एक बार अंदर चल के देखता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो यार कितनी सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं भाई, मतलब बहुत ही सारी, और स्वैट के बंदे, नॉर्मल पुलिस वाले, हाईवे पुलिस भाई सारे वहाँ पर दिखेंगे तुम्हें, डॉक्टर से लेके सब कोई। तो भाई एक बार यहाँ पर देख लेता हूँ मैं क्या सीन चल रहा है। ओके तो यहाँ पर भी कुछ ड्रग्स, ओके तो गाइस मुझे लगता है ज़ॉम्बीज़ वगैरह का कुछ भाई, इन्होंने कुछ तो सीन है भाई, मुझे लग रहा है यहाँ पर ये ज़ॉम्बीज़ वगैरह की कोई ऐसी कोई दवाई वगैरह पाई गई है यार, पता नहीं क्या सीन है। डॉक्टर से बात करता हूँ मैं, एक बार पूछ के देखता हूँ क्या सीन है। ओके गाइस तो मेरी अभी इस बंदे से बात हुई है जो कोट पैंट में आपको दिख रहा है भाई साहब, इस बंदे ने बताया कि डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक रेड की गई है, रेड में काफ़ी सारे लोगों को पाया गया है, जिसके अंदर भाई ये पता नहीं किसी माफिया या वगैरह किसी का ये ड्रग्स वगैरह और ये पैसा कुछ पाया गया है। और इसमें से ये जो आपको सामने की तरफ यार ये लिक्विड वाली कैन दिख रही है ना, ये एसिड है भाई, पता नहीं क्या करने वाले थे, क्या प्लान था यहाँ पर। ओके गाइस तो इस गाड़ी में भी कुछ देखो कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, पता नहीं भाई क्या क्या हो रखा है यहाँ पर, पता नहीं क्या ही सीन है। और बहुत सारे डब्बे हैं, कुछ गाड़ियाँ वगैरह भी लाए हुए हैं, यहाँ देख सकते हो कितने सारे डब्बे पड़े हुए हैं भाई, पता नहीं क्या सीन है, गलत सीन है जो भी है यहाँ पर। और ये अच्छी बात है कि हमारा एक भी बंदा यहाँ पर नहीं है जो मतलब फंस गया हो या जो भी चीज़ है, पता नहीं यार, हमने जो अपनी फैमिली वगैरह को ढूंढना था उनमें से कोई नहीं है, ये अच्छी बात है यहाँ पर। तो यार जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं, मेरे को लगता है ये सेफ एरिया नहीं है बिल्कुल भी, तो यार आगे से निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। और हमारा फ्रैंकलिन भी काफ़ी देर से बाहर वेट कर रहा है, तो यहाँ से निकल लेते हैं। ओके तो यहाँ पर कुछ और डेड बॉडीज़ भी पड़ी हुई हैं क्या? नहीं 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 ओके तो इनको भाई साहब नीचे करके लिटा दिया है, पता नहीं क्या ही गलतियाँ करी हैं भाई इन्होंने, भाई पता नहीं क्या सीन है। यहाँ से निकल लेता हूँ मैं तो सेफ तरीके से, मुझे तो पता नहीं गड़बड़ लग रही है। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही बुरी तरीके से भाई कैंप किया हुआ है इन्होंने, पुलिस वालों ने किसी को नहीं आने देंगे भाई यहाँ पर बिल्कुल भी, पता नहीं क्या ही सीन है भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हम यहाँ से फटाफट से गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं, आ जाओ भाई तुम दोनों भी, हॉस्पिटल चलते हैं फटाफट। ओके गाइस तो अभी हम फटाफट से यहाँ से गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत ही सीन है भाई, हमारी फैमिली नहीं है यहाँ पर, ये अच्छी बात है, ना ड्राइवर मिला ना लामार मिला, कोई भी नहीं है, मतलब देखा जाए तो हमारा पता नहीं किनको ही मार दिया गया है यहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ लोगों का इनकाउंटर कर दिया है यार, पता नहीं क्या सीन है। ओके यार मेरी गाड़ी फिर से टूट गई, तो यार जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं सीधा हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि भाई हॉस्पिटल भी हमारा भी बहुत दूर है, तो जल्दी से पहले हॉस्पिटल पहुँचते हैं यार, फिर मिलते हैं। शायद मुझे लगता है यार लेस्टर और उनको भी शायद छोड़ दिया होगा, डिस्चार्ज कर दिया होगा अभी, तो फटाफट से पहले वहाँ पहुँचते हैं जल्दी से यार, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आने का, इतना टाइम वेस्ट हो गया हमारा एक तरीके से देखा जाए तो। यार फैमिली को भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कहीं यार हमें लिबर्टी सिटी ना जाना पड़ जाए, एक बार हमारे पास लेस्टर ठीक हो जाए, वो ट्रेस वगैरह करके पता लगा ही लेगा कैसे भी करके कि भाई बंदे हैं कहाँ तुम्हारे, जितनी भी हमारी फैमिली है वो है कहाँ। ओके तो यार यहाँ से तो भाई निकलना बड़ा मुश्किल हो गया भाई, पूरी रोडे वोडे ब्लॉक कर दिए हैं, तो पता नहीं कैसे निकालूंगा इसको, यहाँ से निकालना होगा, थोड़ा सेफ्टी से निकालता हूँ मैं जल्दी से यार। एक बार मैं हॉस्पिटल पहुँचता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे, देखते हैं पता नहीं लेस्टर और अपना जो जिमी है इनकी डिस्चार्ज कर दिया या नहीं किया है, तो एक बार देखते हैं चल के फटाफट से। ओके गाइस तो अभी हम हॉस्पिटल तक पहुंचने वाले हैं यार, बिल्कुल पास पहुंच गए हम हॉस्पिटल के, चलो जल्दी से फटाफट से चलकर देख लेते हैं यार यहाँ पर कितना ज़्यादा फॉग हो गया है, देख सकते हो अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ठीक से। तो यार हम हॉस्पिटल के एकदम पास पहुंच गए हैं यार, पता नहीं एंट्री हमें यहाँ से मिलने वाली है, आगे से ही जाना पड़ेगा शायद, इधर से तो एंट्री नहीं मिल रही है। ओह शिट यार,
अब ये गलत सीन हो गया। चलो उतर के चले जाते हैं फटाफट भागते हुए जल्दी से, क्योंकि यार मुझे अभी बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा है। मुझे देखना है एक बार कि यार पता नहीं उनकी उनको डिस्चार्ज किया है या नहीं किया है, और एक बार फटाफट से चल के देख लेते हैं कि भाई पता नहीं उनको छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ, ये आते रहेंगे भाई, इनका तो ढीले हैं ये तीनों के तीनों, पता नहीं कैसे ही आते हैं। फाइट के टाइम पर ज़रूर लड़ते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसे टाइम पर तो कभी आते ही नहीं साथ में। तो जल्दी से मैं पहुँचता हूँ फटाफट से, एक बार देखते हैं चल के अंदर चल के मैं शायद यहाँ से निकल सकता हूँ। ओके तो यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। ओके तो ठीक है। ओके गाइस तो अभी आगे यहाँ पर देख सकते हो कितनी तगड़ी तगड़ी सुपर कार्स खड़ी हुई हैं भाई, बहुत ही तगड़ी। पर लेकिन यार इनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यार अभी यहाँ पर पूरा का पूरा लॉस सैंटोस तबाह हो रहा है बुरी तरीके से, तो उसको बचाना हमारा पहला काम है। तो जल्दी से चलकर देख लेते हैं हमारी। ओके गाइस तो हमारे यार दोनों के दोनों बंदों की भाई साहब डिस्चार्ज कर दिया है, और ये बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे हैं यहाँ पर। पता नहीं क्या जूस वगैरह कुछ पी रहे होंगे जो कि अंदर से मिला होगा। तो यार इनको बड़े सही तरीके से डिस्चार्ज कर दिया, और ये भाई बिल्कुल ठीक हो गए। अब यार गाइस हमारी फैमिली को ढूंढने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो यार जल्दी से थोड़ी बहुत लेस्टर से बात करते हैं, क्या सीन था क्या हुआ था। तो जल्दी से एक बार इससे बात कर लेते हैं कुछ। ओके गाइस तो मेरी लेस्टर से बात हो गई है। ये कह रहा भाई हमने बहुत बुरी तरीके से हमें मारा था यार, तो बड़ी मुश्किल से बच पाए। कह रहा पूरे बुरी तरीके से हमें घायल कर दिया था, तो हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं। तो पता नहीं यार क्या सीन था, बड़ी मुश्किल से बच गए वो, बड़ी अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो कोई नहीं, अब यार लेस्टर हमारा फुल साथ देने वाला है। कह रहा है मैं बिल्कुल तुम्हारा फुल सपोर्ट करूंगा, और मैं सारी चीज़ें एकदम तुम्हें ट्रैक कर करके बताते जाऊंगा, बस तुम उस रास्ते पे चलते जाना, और हम यार जल्दी से जल्दी लॉस सैंटोस को बचा लेंगे। तो यार जल्दी से हमें ना कोई एक अच्छा सा अड्डा ढूंढना होगा जहां पर हम रुक सकें और अच्छे से अपने ट्रैकिंग वगैरह ये कर सके, ताकि यार थोड़ा दिक्कत विक्कत ना आए। क्योंकि अभी तो यार अब लेस्टर तो हमारा फुल सपोर्ट में है, तो भाई हमारे साथ स्वैट भी है, आर्मी भी है, तो यार हम ट्राई कर सकते हैं बचाने की। अगली वीडियो में यार हम कोशिश करेंगे अपनी फैमिली को ढूंढ लें, कि यार जल्दी से जल्दी हमारी फैमिली मिल जाए, और यार बहुत सही हो जाएगा, फिर लेस्टर वगैरह भी मिल जाए, क्योंकि लेस्टर कह रहा हूँ मैं, ड्राइवर वगैरह भी मिल जाए, क्योंकि हमें ड्राइवर की भी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है यार, क्योंकि बहुत तगड़ा सीन चल रहा है यहाँ पर। तो यार कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि भाई ये वीडियो बहुत तगड़ी बनती जा रही है। तो यार जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर हम GTA 5 और माइनक्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस लगातार डालते रहते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।